सभी को नमस्कार। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल छोटानी इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं करम फल की। हमें करम फल तो मिलता है, करम फल हमें देता वो है जो हमने पहले आपको YouTube के एपिसोड में बताया है कि जो गिनती में एक होता है, अनादि और अनंत होता है, सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान होता है, त्रिकालदर्शी होता है, अंतर्यामी होता है, पूर्ण और अजय होता है। जिनके पास ये शक्ति होती है वही और वही केवल हमें कर्म फल दे सकता है। अब वह ताकत गिनती में एक है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं, गॉड कहते हैं, राधा स्वामी कहते हैं, निरंकार कहते हैं, कई रूपों में हम उनको मानते हैं। आप देखते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना से पहले इंसानी जीव को बनाने की कल्पना की और इंसान को सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया, उसे विशेष बुद्धि तत्व दिया और उसे अपना साझीदार भी बनाया। ईश्वर ये भी चाहते हैं कि इंसान उसे जाने, माने और प्यार करे और उसके बारे में ज्ञान भी प्राप्त करे। फिर देखिए, ऐसा क्या कारण है कि कर्म फल देते वक्त ईश्वर इंसान के सामने नहीं आते? क्यों नहीं आते? आखिर कर्म फल तो उन्होंने देना है। समाज में तो वैसे ये प्रचलित है कि कर्म फल यमराज जी ले जाते हैं, चित्रगुप्त लिखते हैं, ऐसा देना है वैसा, वो तो कहानियां हैं, हमें सिर्फ सिद्ध करने के लिए, बताने के लिए कि कर्म फल होता है। लेकिन शक्ति तो एक है जो अदृश्य है, वो शक्ति लगातार हमारे से अदृश्य रहती है, वो रहती कण कण में है, वो अदृश्य क्यों रहती है कर्म फल देते वक्त हमें? ये क्या कारण है, इसके बारे में हम नोट करते हैं। देखिए, पहला कारण तो ये है कि ईश्वर अपने ईश्वरीय रूप में इंसान के सामने आ जाए तो क्या इंसान उसका तेज सहन कर सकेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस सृष्टि की बात हो रही है, जगत की नहीं। जगत एक हो, जगत वो होता है जिसमें पृथ्वी एक है, ये सारी पृथ्वी एक पृथ्वी को जगत कहा जाता है। इस सृष्टि में अनेकों पृथ्वियां हैं, अनेकों सौरमंडल हैं। अब जिसने वो बना दिए, क्या उसका तेज हम सहन कर पाएंगे? उसके मामले में इतना सोचना भी बड़ा एक अकल्पनीय है। दूसरा कारण यह है कि ईश्वर, चलो हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि ईश्वर एक साधारण इंसानी रूप में यदि इंसान के सामने आ भी जाए तो क्या हम उसे पहचानेंगे? इंसान क्या उनको पहचान सकता है? यदि वो एक चौराहे पर खड़ा होकर ये बोले कि मैं ईश्वर हूं, मैं ही कर्म फल दाता हूं, आज मैं इंसान बनकर आ गया हूं, मुझे पहचानो, क्या हम मान जाएंगे? ठीक है, आज की डेट में तो कलयुग चल रहा है, लोग व्यापारीकरण कर रहे हैं आज हर किसी चीज का, आजकल तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, लेकिन क्या पहले मान जाते? जब जब धरती पर महान आत्माएं आए या अवतार बनकर जिसे सनातन धर्म में कहा जाता है, तब तब उनके माध्यम से चमत्कार हुए, तब हमने उनको कुछ माना। हम तो ईश्वरी मान बैठे हैं जिनको चमत्कार कही, जिन्होंने किए। वो जो चमत्कार करते हैं, जिनके माध्यम से चमत्कार होते हैं, वो ईश्वर नहीं, वो भगवान कहलाते हैं या वीरपीठ देवी देवता कहलाते हैं, जिनके माध्यम से ईश्वर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। इंसान महान आत्माओं को भी साधारण इंसान समझता है और उस वक्त उन्होंने उनका, महान आत्माओं का, वो मान सम्मान नहीं किया जो करना चाहिए। यदि जैसे भगवान श्री राम इस धरा पर आए, भगवान श्री कृष्ण धरा पर आए, तो क्या हम इंसान उस वक्त उनको पहचान सके थे? जिसने उनको अपनी पहचान करवाई, उनको ही, जैसे कहते हैं भगवान श्री राम को सिर्फ 16 व्यक्तियों ने पहचाना था, 16 इंसानों ने पहचाना था कि ये भगवान श्री राम है, बाकी कोई पहचान नहीं पाया था। एक माया भी होती है ईश्वर की कि कोई पहचान ना पाए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये कैसे वो सिद्ध करते? और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धरती पर आके महाभारत ना होता, यदि लीला, यदि वो कौरव जल्दी पहचान जाते तो ये एक लीला है। तो ये लीला जो है, ये बहुत ही एक, इसका जो सुनहरे पाठ है, ये ईश्वर ने लिखे हुए हैं, ईश्वर जो गिनती में एक है। ये महान आत्माएं बनाकर उनको धरा पर भेजा, उन अपने बारे में उनके द्वारा हमें ज्ञान दिया।
लेकिन ईश्वर धरती पर कभी नहीं आए। हाँ, भगवान शिव बनकर वो स्वयंभू यानी प्रकट हुए थे, ये कहा जाता है और ये सत्य भी है। अब यदि हाइपोथेटिकली मान लें कि ईश्वर धरती पर आ जाए इंसानी रूप में, यदि वो हमें अपना अनुभव भी कराने लग जाए, तो हमारे मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने कभी ईश्वर को देखा नहीं है। हम तो ईश्वर को देखते हैं कैलेंडरों के हिसाब से कि भगवान शिव की जटा है, गंगा उसमें निकल रही है, और सांप गले में धारण कर रखा है, और शक्ति की भुजाएं हैं साथ, वो शेर की सवारी कर रही है। ये सब काल्पनिक चित्र हैं, ये सिर्फ शक्ति के गुण दिखाने के लिए उनको बनाए गए हैं। इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे, पहले भगवान शिव के ऊपर कि वो काल्पनिक चित्र कैसे हैं और हर जो आभूषण उन्होंने पहना हुआ है वो किस किस गुण को, निमित्त गुण को व्यक्त करता है। इसलिए हम जो इंसान का जो ईश्वर के प्रति जो हमारा वो आदर होगा वो कभी नहीं होगा। वो हमारे को यदि कुछ प्रदर्शन कर भी देंगे, ये तो सत्य है, कटु सत्य है कि उनको भी को प्रदर्शन करने पड़ेंगे जब वो धरा पर आएंगे, लेकिन हम फिर भी इंसान उनका जो आदर सत्कार ईश्वर का होना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। और इंसान देखो कैसे है, सद्भाव से स्वार्थी है। यदि हमें ये पता चल जाए कि ईश्वर ही है, तो हम अशुभ में अनुचित मांगे जो है वो पूरी करना चाहेंगे, यानी जो ईश्वर होगा उनसे हम चाहेंगे कि हमारी सभी मांगे वो पूरी करे, जो ना देश के कानून के अंतर्गत होती हैं, ना नैतिकता पर आधारित होंगी, हम वो मांगे उनसे मांगेंगे। क्यों? जब इंसानी रूप में आएंगे तो। और हम इंसान ईश्वर को उन अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करेंगे, जो ये तो सर्वथा अनुचित है। इसलिए ईश्वर धरा पर नहीं आते, इसलिए ईश्वर अदृश्य रहते हैं हमेशा। और देखो, आपको जैसे मैंने बताया कि ईश्वर कर्म फलदाता है, उन्हें हर किसी को अपना कर्म फल देना होता है। कहते हैं कि ईश्वर अपने आप से कुछ नहीं देते, हर चीज कर्मों के अनुसार से मिलती है। जब ईश्वर सामने होकर यदि कर्म फल देंगे, तो इंसान क्या उसको मानेगा? इंसान मानने से इनकार कर देगा और ईश्वर से गिला शिकवा करने लगेगा। मान लो हाइपोथेटिकल कि ईश्वर धरती पर आ गए, वो दो चार इंसानों को बुलाते हैं, 25 इंसानों को बुला लिया, 25 इंसानों में से एक को आशीर्वाद दे दिया, दूसरे को नहीं दिया। बोले क्यों? ईश्वर जी ने एक ही बात मान ली, एक को अमीर बना दिया, एक को गरीब बना दिया, एक को विकलांग बना दिया। दो हाथ तो मेरे भी हैं, दो पांव मेरे भी हैं, दो आंखें मेरे भी हैं, उसमें क्या गुण है? अब ये जो चीजें हैं, यदि ईश्वर धरती पर आए तो क्या इंसान उनकी बात मानेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा? ईश्वर की माया व्यंत तू, ईश्वर कहते हैं ना, ईश्वर की माया व्यंत, ईश्वर तू व्यंत तेरी माया व्यंत, यानी सब कुछ ईश्वर का व्यंत होता है, जो ईश्वर इंसान उसको समझ नहीं सकता, तभी ईश्वर धरा पर नहीं आते। और ईश्वर यदि इंसान के सामने कर्मफल दें, या हमें याद रह जाए कि हम ऊपर जाके हमने को कर्मफल भी मिला है, तो हमें वो याद भी नहीं रहती है, उसकी जो स्मृति है वो भी खत्म हो जाती है। ईश्वर जो है वो विकारों के अधीन तो है नहीं, इंसान विकारों के अधीन है। यहां तक कि वो यदि कर्मफल देंगे तो वो ईश्वर को दोषी मानने लग जाएंगे, जो इंसानी रूप में है, और उनसे बार बार नाराज होंगे। फिर ईश्वर से यदि नाराज होगे तो क्या होगा? एक और दुष्कर्म मिल जाएगा, एक और दुष्कर्म हो जाएगा। इसलिए ईश्वर की कोई भी चीज कभी भी गलत नहीं होती, ना ही कभी समय से परे होती है, ना ही कभी समय से पहले होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ईश्वर कर्म फल देते वक्त अदृश्य क्यों रहते हैं। और वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि ईश्वर तो हर इंसान में है, लेकिन वो मूक दर्शक है। मूक दर्शक क्यों है? कि उन्होंने कर्मफल देना है। इंसान कर्मफल भोगने के लिए ही धरती पर आते हैं। ये हमने वीडियो बनाई है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, इसकी वीडियो बनाई है, ये भी जरूर देखें साथ में। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके अलावा ईश्वर एक है तो अनेकों रूपों में पूजा क्यों है, बड़ी समस्या है। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है कि ईश्वर एक है फिर अनेक रूपों में पूजा क्यों करवा रहे हैं अपन। फिर भगवान राम की भी पूजा कर रहे हैं हम, भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा कर रहे हैं। यानी जो नास्तिक लोग हैं वो इसी बात पर नास्तिक हो जाते हैं कि धर्म तो जी बड़े भारी हैं, किस किस को माने हम। अध्यात्मवादी वो है जो एक ईश्वर को मानते हुए सभी धर्मों का आदर सत्कार करता है। आखिरकार धर्मों का सभी का निचोड़ तो यही है, लेकिन हम धर्म के अंतर्गत हम जो इंसान आते हैं, हमने इनका व्यापारीकरण कर दिया है। हमने कई पंडित बनकर हमने गलत काम किए,
सभी पंडित गलत नहीं होते, कभी मुल्ला मस्जिद में गलत काम करते हैं, सभी मुल्ला भी गलत नहीं होते, लेकिन जो जो गलत करते हैं वो इस कौम को दागदार करते हैं, हम धर्मों को भी दागदार करते हैं। इसलिए ईश्वर कभी भी इंसान के सामने सदृश रूप में कभी नहीं आते, ना ही वो कर्मफल देते हैं। इसलिए हमेशा ईश्वर अदृश्य रहकर हमारे को कर्मफल देते हैं। यानी आज ये देखो कि हम अमीर घर में पैदा हो गए और ईश्वर सामने खड़े हैं, कोई गरीब घर में पैदा हो गए, हम बोलेंगे जी हमें क्यों गरीब घर में पैदा कर दिया, हमें उसको इतना पैसा, हमें क्यों नहीं ये पैसा, वो बीमार जल्दी होता नहीं, हम बीमार क्यों बार बार होते हैं, हमारे घर में परेशानियां क्यों है। तो मतलब हर चीज का ईश्वर के पास तोड़ है। ईश्वर इसलिए डरता नहीं हमारे से, लेकिन हम इंसान उसके काबिल नहीं है, इसलिए ईश्वर इंसान के सामने नहीं आते हैं। यदि कोई चेतावनी भी दे दे ईश्वर को कि ईश्वर तू कहां है, आ जा, तब भी वो नहीं आते, क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ी सत्ता है, उसने पूरी सृष्टि बनाई है, इसमें कई ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड छुपे हुए हैं अनेकों। आप गूगल में जाइए, देखिए कितने बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हमारे हैं, ये तो साइंस भी मानता है आज की डेट में। तो फिर वो सत्ता क्या हमारे सामने आएगी, एक समुन्दर जो है वो, हम तो एक समुन्दर की बूंद भी नहीं है, हम क्या मुकाबला कर सकते हैं उनके साथ। ये आपको ये अभी YouTube का एपिसोड कैसे लगा, यदि अच्छा लगा तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब भी करिए, और ताकि हमारा हौसला बढ़ता जाए, और इसको शेयर भी करिए, हम इसके आपके लिए अति भारी होंगे। हाँ, और कोई चीज गलत बात बोली गई है या आपको पसंद नहीं आई है तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। बाकी अब धीरे धीरे हम एक और, हमारे पास प्रश्न आया था कि आप इसके बारे में वीडियो बनाइए कि ध्यान क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने ध्यान के बारे में बताना है कि ध्यान किसको कहते हैं, ध्यान किसको कहते हैं, जब हम ईश्वर से अंदर ही अंदर मिलते हैं, तो अंदर ही अंदर तो ईश्वर है लेकिन वो मूक दर्शक है, उसका अंदर मिलन कैसे होगा, उसको जागृत कैसे किया जाए, तो ये हम इसके बारे में अगला एपिसोड बनाएंगे आपको, आप इसको देखते रहिए। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लें। धन्यवाद।